भाई साहब नींद में ये हाल होता, देखो ये साइड में कट गई थी, चढ़ गई थी नींद में, पता नहीं कहाँ चढ़ी थी, मेरे को भी याद नहीं है क्योंकि मैं नींद में चल रहा था। भाई अभी बहुत ही अच्छा टोल टैक्स, और यहाँ तो पता ही है आप लोगों को, यहाँ अपने को ओवरलोडिंग चेक कराना पड़ता है और अपनी गाड़ी ओवरलोड है। भाई तो अभी ले लिया हमने किराने का सामान, चावल और हल्का फुल्का अड़ी बड़ी। भाई हमें वहाँ से जबलपुर में फ़ोन आया था कि फटाफट से गाड़ी खींच के आ जाओ, 1-1.5 बजे तक डाल दो यार, जबलपुर में खाली कर देंगे और तुरंत लोड कर देंगे परचून। तो मैंने कहा चलो कर सकते हैं अपन लोग, क्या होता है आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी ठीक हूँ भाई। और हाँ भाई, 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया, 2 दिन मतलब 2-4 दिन हो गया, और मैंने ये मतलब जबलपुर गया रायपुर से, और रायपुर जबलपुर से भर के फिर वापस जा रहा हूँ जबलपुर, मतलब एक चक्कर पूरा कम्प्लीट लगने वाला है। और ये एक चक्कर में मैंने ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि कुछ कारण थे, इस वजह से नहीं डाला था। तो चलो यहाँ से रखते हैं कंटिन्यू ब्लॉग में। अगर ये देख रहा हूँ अभी हमारा लोकेशन आ गया भाई, क्या बोलते हैं शिल्पी छत्तीसगढ़ बॉर्डर। तो अब करेंगे भाई कंटिन्यू ब्लॉग, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, और कमेंट करके बताना आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हो भाई, मैं मेरे को भी पता चले कि मेरा ऑडियंस कहाँ कहाँ से लोग वीडियो देखते हैं मेरा भी, ठीक है। तो अभी के बजे सुबह के 7, तो मेरे सुबह पहले नंदी से गुड मॉर्निंग। और भाई आज ना मतलब मेरे को ना सुबह 5 बजे से जाम मिला भाई, अभी तक के जाम ही में लगा, देख रहा है क्या कर सकते हैं भाई। चलो करते हैं, बंदे को मैंने पहुंचा दिया है अपना क्या बोलते गेट पास लेने के लिए या वाटर में ना, मेरे को घाट के नीचे से जाम मिला है आज, 2 घंटे मेरे को घाट चलने लगा, 5 बजे चढ़ना स्टार्ट किया, 7 बज गए, क्या कर सकते हैं भाई। ये देखो सामने इतने बड़े बड़े टेलर पुल्लर जा रहे हैं ना, ये मेरे आगे बता रहा हूँ 4 पुल्लर जा रहे थे, टेलर 4 टेलर, जैसे मेरे को टाइम लग गया, और इतने स्लो भाई, अब क्या ही बोलें, घाट में ओवरटेक करने में सोचना पड़ता है भाई, 4-4, एक हो तो चलो भाई, 2 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, 4-4 लगातार जा रहा, उसमें कैसे ओवरटेक करोगे तुम। इस वजह से मैंने कहा चलो यार पीछे पीछे चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब तो बताते हैं आप लोगों को, बंदा भी आ गया भाई, गेट पास लेके मिल गया अपने गेट पास, चलो चलते हैं। मेरे गेट पास दो भाई, अरे पकड़ ले टच नहीं करना। तो भाई अपने को गेट पास मिल चुका है, और देख रहा हूँ जाम, देख रहा हूँ सामने दिखाओ, ये है अपना जाम, इतना जाम लगा सुबह से 5 बजे से जाम मिल रहा है भाई मेरे को, क्या कर सकते हैं सुबह सुबह। अरे ये रहा अपना कंपनी की गाड़ी, मस्त कंपनी गाड़ी है, आजा बीच में आ जा, लेकिन बहुत सारा जाम, अभी बहुत ही अच्छा टोल टैक्स, और यहाँ तो पता ही है आप लोगों को, यहाँ अपने को ओवरलोडिंग चेक कराना पड़ता है और अपनी गाड़ी ओवरलोड है, और कितना माल एक्स्ट्रा है ये मेरे को नहीं पता, बाकी मैं एक बार काटा जरूर कराऊंगा, क्योंकि रायपुर से भी घपला करते हैं ये लोग, हमें कुछ और की पर्ची बना के देते हैं और इधर कुछ और निकलता है। तो चलो अपन कर लेते हैं, ये चढ़ गए कांटे पे गाड़ी अपनी, सामने का डाल में चेक करके बता दूँ कितना ओवरलोड है अपनी गाड़ी, मतलब कितना तक माल एक्स्ट्रा है। देखो 35,440,
क्या दुश्मनी है हम लोगों से पता नहीं। दे दे भाई इसको। ग्रीन चाय बंदा ले गया अपना। चलो आगे रुकते हैं मस्त और हाथ मुँह धुल के मस्त नाश्ता वास्ता करेंगे। क्या हो गया तो बोल क्या होगी। ला दे भाई पर्ची यार। हो गया भाई पर्ची मिल गया। ठीक है चलें। हो गया ना। तो ये निकल गई भाई टोल और अपन आगे रुकते हैं और हाथ मुँह धुल के मस्त नाश्ता करते हैं। जब तक देखते हैं वो गाड़ी आड़ी आ जाए तो दो गाड़ियाँ पीछे अपनी। ये देखो भाई मस्त। और अभी कर लेते हैं अपन ब्रश फटाफट से और नाश्ता वास्ता करके यहाँ से निकल जाएंगे मस्त। चटनी ब्रेड और चटनी। भाई साहब नींद में ये हाल होता। देखो ये साइड में चढ़ गई थी नींद में। पता नहीं कहाँ चढ़ी थी मेरे को भी याद नहीं क्योंकि मैं नींद में चल रहा था। कहाँ चढ़ी वो आ गया अपना कंडक्टर। साउंड नहीं आ रहा है बंदे मस्त। भाई तो अभी नाश्ता मस्त कर लिए। हमको मिला नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा और मस्त टमाटर की चटनी के साथ और मिर्ची तली हुई। एक नंबर लगा। चाय तो नहीं पी। चाय हम सोच रहे थे आगे पियेंगे। चाय यहाँ थोड़ा सही नहीं मिलता ना। नाश्ता बाकी एक नंबर मिलता भाई। तो चलो अब रखते हैं कंटिन्यू सफर आगे के लिए। वो गाड़ी वाले से भी तो हमने बात नहीं किया। अभी करते हैं बात और देखते हैं वो मंडला तक हम उनको मिला ही लेंगे। चाय आगे पियेंगे कहीं ना। क्या लग रहा है कौन सा मिठाई है। ये खाते हैं भाई मस्त। है क्या पता नहीं। ओहो ज़्यादा मीठा भाई। कर लिए भाई गाड़ी को स्टार्ट। मीठा बहुत है। क्या कर सकते हैं। गाड़ी आ रही तो पास नहीं है ना। हाँ भाई उनसे करते हैं बात। देखते हैं कहाँ पहुँचे और हमको मंडला तक मिला लेंगे नहीं मिलाएंगे। बाद में आप लोगों को आगे। भाई तो अभी पहुंच गए हम फूल सागर और यहाँ से लेते हैं किराने का सामान और यहाँ से कंटिन्यू। और उन लोगों से बात हुआ था ना जो पीछे गाड़ी वाले हैं उनसे तो वो बोले कि हमको टाइम लग जाएगा तुम धीरे धीरे निकल जाओ। हमने कहा चलो यार निकलते रहते हैं धीरे धीरे। अभी देख रहा हूँ सामने ही जबलपुर 77 किलोमीटर कटनी है 142 किलोमीटर नागपुर 342 किलोमीटर। चलो लेते हैं किराने का सामान और चलते हैं फिर इधर से। भाई तो अभी ले लिया हमने किराने का सामान चावल और हल्का फुल्का हड़ी बड़ी धनिया मिर्ची बस। अब चलो
आज गाड़ी तो अपनी कंप्लीट सील पैक, आगे टायर आर सब बढ़िया है, बाकी गर्म बहुत है टायर लेकिन। तो चलो भाई अब रखते हैं कंटिन्यू सफ़र, आगे देखते हैं, आगे चाय आप पियेंगे चिराडोंग के पास और नाश्ता भी करेंगे। नाश्ता हम वहाँ से करके आए थे और करेंगे फिर। ये ले आए सामान अपन, किटकैट चॉकलेट खाते हैं हम लोग, किटकैट के सामान भी ले आए। चले हो गया भाई स्टार्ट गाड़ी, वो तो कब तक आएंगे पता नहीं, अपने चले हैं ना। ये निकल गए, ये रहा देखो भाई। तो हमने चिरा डोंगरी में नाश्ता नहीं किया, हम सीधे चले आए, देख रहे हो अभी ये पहाड़ कटे वाले रास्ते में आ गए। चिरा डोंगरी आगे सौजनी वाला गांव पड़ता है, सौजनी गांव। तो भाई हमें वहां से जबलपुर में फ़ोन आया था कि फटाफट से गाड़ी खींच के आ जाओ, 1-1.5 बजे तक डाल दो यार जबलपुर में, खाली कर देंगे और तुरंत लोड कर देंगे परचून। तो मैंने कहा चलो कर सकते हैं अपन लोग, क्या होता है आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। तो अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो कर दो लाइक, कर दो कमेंट जरूर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलो रखते हैं कंटिन्यू सफर, ये देखो अब गाड़ी खींचने पड़ी। और चलो अब बन रही है व्लॉग में, मैं आपको आगे बताता हूँ कितने टाइम गाड़ी पहुँचती है और लोड होगा कि नहीं होगा ये भी बताता हूँ मैं, ठीक है। बाकी सीन देख रहा हूँ, नज़ारे एक नंबर आ रहे भाई। नजारे का एंजॉय करो, मस्त सीन आ रहा भाई। भाई अभी पहुंच गया अपना जबलपुर ट्रांसपोर्ट प्रॉपर, कितने टाइम पता ये देख रहा हूँ, 2:05 में 1:30 बजे हम बाईपास पहुंच गए थे, अंदर आने में आधे घंटे लग गया भाई क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है ना, इस वजह से टाइम वगैरह भी देख रहा हूँ। अपनी गाड़ी अनलोडिंग में भी लग चुका है, अभी मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। देखो जबलपुर ट्रांसपोर्ट, समझ नहीं आया भाई मेरे को क्यों बुलाया, जबकि 7 से 1 रायपुर रोड की गाड़ी खड़ी है सामने, फिर भी मेरे को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया समझ नहीं आ रहा है। चलो जैसे भी होता है भाई, जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलो ताला वाला खोल के भी आगे आइए, पीछे सील वील तोड़ दिए मस्त। अब चलो हिसाब दिया है, उसके बाद आगे देखते हैं। बाकी एक बार चलो मैं आप लोगों को नीचे दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ लोडिंग होता है कि नहीं होता है, ठीक है। भाई ये लग चुका अपनी गाड़ी पॉइंट में, और देखो वो सामने है सीधी जबलपुर 7 से 21, वो गाड़ी रायपुर रोड की है पर वो खड़ी है, पर मेरे को क्यों बुला ली जल्दी, मेरे को समझ नहीं आता, और गाड़ी इतनी रिशुकी हुई क्यों लग रही है। चलो भाई कराते हैं अनलोडिंग, हिसाब देते हैं। सबसे पहले तो हम नाश्ते भी नहीं किए भाई, सबसे पहले तो खाते हैं सामने ही फुल्की की दुकान, फुल्की खाते हैं और फिर चलते हैं, बंदे को बोलते हैं चले, ठीक है। हिसाब से दे लेते हैं भाई, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। और क्या होता है बढ़ती नहीं बढ़ती फिर आप लोगों को बताता हूँ मैं मस्त। भाई तो अभी लग चुका अपनी गाड़ी लोडिंग में, खाली खाली करा के मस्त लोड वोड, और कुछ दिखा ही नहीं रहे यार आप देखें। तो भाई अभी लग चुका है अपनी गाड़ी लोडिंग में और आधी से ज़्यादा लोड हो गया, थोड़ी देर में कंप्लीट होने ही वाला है। तो भाई मैं ना कुछ काम कर रहा था, इस वजह से मैंने दिन में एक और शूट नहीं किया, हिसाब से देने के बाद में छोटा सा थोड़ा सा काम था तो वो कराने लग गया था, इस वजह से मेरे को टाइम हो गया। अभी शाम के 8 बजे भाई और अपनी लोडिंग कंप्लीट होने वाली है, थोड़ा सा बाकी है। तो ये वाला व्लॉग मैं तो यहीं करूँगा एंड, मैं निकल जाऊँगा अभी रायपुर के लिए। रायपुर में मेरे को देखते हैं, कोशिश करेंगे 11 से 12 के बीच में गाड़ी देने की,
जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि दो डिलीवरी है, एक तो ट्रांसपोर्ट में खाली करूँगा और दूसरा खाली करने जाना पड़ेगा, तो वो तो मैं कल वाले ब्लॉग में बताऊँगा आप लोगों को कि कहाँ जाऊँगा खाली करने के लिए, ठीक है। बाकी जो छोटा मोटा काम था किलोमीटर का था, सेंसर चेंज हो गया इस बार, क्या है ज़्यादा चली थी गाड़ी ना, 100 किलोमीटर भाई, थोड़ा मोड़ा भी नहीं, 100 किलोमीटर ज़्यादा चली थी अपनी गाड़ी, तो आता है स्पीड सेंसर, तो हो चुका है चेंज। और बाकी लाइट वाइट का काम था, जिसमें एक पॉइंट उड़ा हुआ है हेडलाइट, तो से बोले कि अगले चक्कर करा लेना, इस बार अभी लोड उन्न करा के चले जाओ। तो ठीक है, ये वाला व्लॉग मैं ये करता हूँ एंड, उम्मीद है कि ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑल पे सेट करना, ताकि मेरा हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सही समय से पहुँच जाए। तो ठीक है भाई, ये वाला व्लॉग मैं ये करता हूँ एंड अभी के लिए, बाय बाय, जय हिंद।